गाइस, अगर आप भी एक यूट्यूबर बनना चाहते हो या अगर आप यूट्यूब पे बिगनर हो तो आपको पता नहीं होगा कि वीडियोस कैसे बनाते, कौन से वीडियो बनाना चाहिए, अगर आपको वॉइस ओवर वाला बनाना चाहिए क्या, अगर आपको फेस दिखा के वीडियो बनाना चाहिए, तो दोनों टॉपिक में आपको एक्सप्लेन करूंगा आज के वीडियो में, क्योंकि आज के वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी लोगों के लिए जो यूट्यूब पे वीडियो बनाना चाहते हैं। अगर आप एक क्रिएटर बनना चाहते हो यूट्यूब पे, तो आपको ये बताना चाहिए कि आपको वॉइस ओवर वाला चैनल बनाना है या आपको फेस दिखा के आपका चैनल बढ़ाना है। तो इस वीडियो में पूरा नॉलेज दूंगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज आपको मेरे चैनल पे 100% कंटेंट के साथ क्वालिटी भी मिलेगी। तो गाइस, आज के वीडियो में बात करने वाले फेस दिखा के अगर आपको चैनल बनाना है तो आप कैसे बना सकते हो। तो जैसे कि अगर मैं अभी वीडियोज रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो कैमरे के थ्रू कर रहा हूँ, तो अगर आप स्टार्टिंग से अपने चैनल पे न्यू चैनल पे अगर कैमरे के थ्रू बोलना चाहते हो, गाइस मैं सबसे पहले बात करूंगा कि फेस दिखा के आपको वीडियोस क्यों बनाना चाहिए। तो जैसे कि अगर आप स्टार्टिंग से अगर एक बिगनर हो यूट्यूब पे, अगर आपने कुछ वीडियोस स्टार्टिंग में नहीं की अपलोड, या अगर आपने कुछ ऐसे वीडियो डाल दिए वॉइस ओवर वाले स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके, बट अगर आप अपने चैनल पे स्टार्टिंग से कैमरे पे रिकॉर्ड करते हो अपने वीडियो अपना फेस दिखा के, तो आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, आप कैमरे के सामने फेस कर सकते हो, आप कैमरे के सामने बोल सकते हो। और अगर आप सेकेंड है कि अगर आप वॉइस ओवर वाला चैनल बनाते हैं जिसमें सिर्फ आप अपनी मोबाइल की स्क्रीन या लैपटॉप की स्क्रीन दिखा के उस पर सिर्फ अपना आवाज दे रहे हो, तो उसमें आपका कहीं फेस नहीं दिख रहा है, सिर्फ आपका साउंड दिख रहा है। तो इससे ये होता है कि वॉइस ओवर चैनल में सिर्फ आपका साउंड रहेगा, आपका फेस कहीं नहीं दिखेगा। अगर आपके सब्सक्राइबर इंक्रीज होते हैं, आपका अच्छा एक मोनेटाइजेशन हो जाता है, आपका चैनल ग्रो हो जाता है, तो अगर आप वॉइस ओवर वाले ही वीडियोज बनाते रहोगे तो आपका फेस कहीं नहीं दिखेगा, आपकी फेस वैल्यू कहीं नहीं बनेगी। बट अगर आप फेस दिखा के वीडियोस बनाते हो तो आपको इसके बहुत सारे बेनिफिट है। अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ बात करना चाहते हो, अगर आप किसी सेशन में लाइव जाके बात करना चाहते हो, तो आपको वो कॉन्फिडेंस मिलता है यूट्यूब के थ्रू, अगर आप फेस दिखा के वीडियोस बनाते हो तो। क्योंकि मैं स्टार्टिंग से नहीं करता था ये, बट जैसे जैसे मेरे 20 से 30 वीडियो मैंने बहुत कम वीडियोस साउंड रिकॉर्ड करके बनाए थे, बट उसके बाद मैंने पूरे वीडियोस कैमरे के सामने आके ही बात की है, क्योंकि कैमरे के सामने अगर आप बात करके वीडियोस बनाते हो तो इसका आपको बहुत बेनिफिट होता है सारी चीज़ों में। यूट्यूब पे तो होता ही है, बट अगर आप यूट्यूब के थ्रू अगर आपको कोई वर्क मिलता है तो आप उसमें जाके ऑनलाइन वर्क कर मतलब ऑनलाइन बात कर सकते हो फेस दिखा के। अगर आपको स्टेज पे बुलाए तो आप स्टेज फीलिंग आपकी बढ़ती है। तो कैमरे के सामने अगर आप बोल रहे हो तो आप खुद को भी फेस कर रहे हो, कैसे बात करना है, कैसे बॉडी लैंग्वेज को मूवमेंट करना है, तो ये सब आपको फेस दिखा कर ही ये सब आपको एक्सपीरियंस आएगा। तो हमेशा मैं ये आपको टिप्स देना चाहूँगा कि अगर आप यूट्यूब पे वीडियोस बनाना चाहते हो, यूट्यूब को चैनल आपका ग्रो करना चाहते हो, तो अपनी फेस वैल्यू बनाइए, जो आपका फेस है उसकी वैल्यू बनाइए, क्योंकि वही आपका फेम बनाएगा, वही वही से आपको रिस्पेक्ट और वही से आपका यूट्यूब चैनल ग्रो करेगा, अगर आप अपना फेस दिखा के वीडियोस बनाते हो तो। बहुत ही एक्सपीरियंस चीज़ इसमें आपको मिलेगी कि आप अपने फेस दिखा के सारा कॉन्फिडेंस आप यूट्यूब के सामने आके बात कर सकते हो, हंस सकते हो, लोगों से कनेक्टेड हो सकते हो। तो ज़रूर आप भी ट्राई करें कि फेस दिखा के ही यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करें, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए भी आने वाले समय में, क्योंकि ज़्यादातर लोग अभी फेस दिखा के ही यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं। तो गाइस, आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, बिकॉज आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर देते, लाइक भी नहीं करते, तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक पर।